बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। पुरानी पेंशन बहाली, संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक अरुण द्विवेदी, राष्ट्रीय संयोजक उदित भदौरिया और राष्ट्रीय महामंत्री रॉबर्ट मार्टिन की अनुशंसा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने सर्वसम्मति से स्टेनली नारबर्ट को प्रदेश महामंत्री एवं राकेश श्रीवास को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। संयुक्त मोर्चा पूरे देश भर में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करेगा एवं पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के लिए राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान चलाएगा। संभागीय ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। जी सर बताइए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज प्रमोद तिवारी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, संरक्षक अरुण द्विवेदी जी, राष्ट्रीय संयोजक उदित भदौरिया जी तथा राष्ट्रीय महामंत्री रॉबर्ट मार्टिन जी, आप सभी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा जो ये एक बहुत अच्छी शानदार पहल की गई जबलपुर के लिए कि हमारे दो साथियों को जिसमें से कि स्टेनली नॉर्बर्ट जी मध्य प्रदेश में प्रदेश महामंत्री एवं राकेश श्रीवास जी को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया, ये हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। और जबलपुर संस्कारधानी के रूप में जो जानी जाती है और आंदोलनों की शुरुआत हमेशा जो चिंगारियाँ हुई हैं वो यहीं से प्रारंभ हुई है। हम इस राक्षस रूपी NPS को बदलना चाहते हैं, पूर्णतः इसको बंद करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जो भविष्य हो हमारा उज्ज्वल होना चाहिए। NPS में कोई भविष्य हमें नज़र नहीं आता है और ये चंद पैसों की बात नहीं है, ये आने वाले समय में जब हम रिटायर होने जाएंगे तो हमारी सामाजिक सुरक्षा जो है ये मेन मुद्दा उसका है कि हम अपने आत्मसम्मान से अपना जीवन धारण कर सकें, आत्मसम्मान से जी सकें। जी सर बताइए। मैं सर्वप्रथम प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली के लिए संयुक्त मोर्चा जो बनाया गया है, मैं सर्वप्रथम तो केंद्रीय पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं और जबलपुर जिले से जो उपाध्यक्ष के रूप में, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में राकेश श्रीवास जी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम लोग जरूर पुराने पेंशन वाले हैं, हम नए NPS वालों को ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें और ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हमारे साथ सहयोग करें और हम कंधे से कंधा मिला के उनको ओल्ड पेंशन दिला के रहेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं आज के दिन। और जबलपुर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं जबलपुर ज़िले से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूँ, इस काम के लिए आगे बढ़े हैं, हम उनका साथ देंगे और ये मुकाम हासिल करके ही हम दम लेंगे। सर मैं रामप्रसाद खनाल, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा जबलपुर।